पंचायती राज महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंडी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को महासंघ की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भेजा। पंचायती राज महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पंचायती राज महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चंदेल की अगुवाई में एडीएम मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में महासंघ के प्रदेश योजक बलवीर शर्मा, इंद्रजीत शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। महासंघ की इस प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम मंडी राजीव कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन पत्र भेजा। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन पत्र के माध्यम से महासंघ ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन पर मेडिकल भत्ता देने की मांग उठाई है। साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत प्रधानों की तर्ज पर उप प्रधानों को सम्मानजनक मानदेय देने की भी प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेताया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को तुरंत पूरा नहीं करती है तो महासंघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पंचायती राज महासंघ का प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र की अध्यक्षता में एडीएम साहब से मिला। एडीसी और डीसी साहब थे नहीं यहाँ, तो अपनी मांगों का मांग पत्र दिया, जिसमें ज्यादा जोर मारा गया है कि पेंशन लगाई जाए, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन लगाई जाए, मेडिकल भत्ता और यात्रा भत्ता दिया जाए, पंचायत प्रतिनिधियों के उप प्रधान को जो है वो सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। बड़ी भारी विसंगति है प्रधान और उप प्रधान के मानदेय में दोनों में, और ये काम जो है जिलाधीश के द्वारा मुख्यमंत्री हिमाचल को भेजा हुआ है, वो इस पर अमल करें और जल्दी अमल करें। पंचायती राज महासंघ इस सरकार के साथ है, परंतु अगर सरकार मानेगी नहीं हमारी बात, हमारी बात समझेगी नहीं, तो हम कैसे सरकार के साथ रह सकते हैं। ये सरकार जब देगी नहीं तो देगी क्या हमसे, इसलिए हमने आज ये मांग पत्र जो है जिलाधीश के द्वारा सीएम साहब को भेजा है।